अब नावा के गांवों पर मरहम लगाने की कवायद शुरू। शिक्षा मंत्री पहुंची गांव तो दलितों ने कैथल में किया प्रदर्शन। बबनावा जैसे मामले ना हो इसके लिए गीता भुकल की युवाओं को नसीहत, कहा अंतरजातीय और प्रेम विवाह से रहें दूर। आय से अधिक संपत्ति मामले में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी। 30,000 कोर्ट में 6 मई को अगली पेशी। हिसार में बेबसी रिली, एक ही परिवार के 3 लोगों की जान, इंसाफ ना मिलने पर 5 ने खाया था जहर। और रादौर में पश्चिम यमुना नहर पर बने सालों पुराने पुल में आई दरारें, कई गांवों का आपस में संपर्क कटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा और मैं हूं सर्व। बुलेटिन में सबसे पहले बात पबनावा के घावों की। कैथल के पबनावा गांव के दलितों के घावों पर मरहम लगाने की कवायद तेज हो गई है। बीकानेर से बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल और शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने पबनावा का दौरा किया। उधर कैथल के लघु सचिवालय पर राजनीतिक दलों और गांव के दलित परिवारों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही पुंडरी में भी एक शख्स मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गया है। कैथल का पबनावा विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बहुजन संदेश पार्टी ने गांव के दलित परिवारों के साथ मिलकर मंगलवार को लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अप्रैल की रात को पपनावा गांव में हजारों की संख्या में दबंगों ने दलितों के घरों पर धावा बोला, तोड़फोड़ की, बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, घरों में आग लगाई। उसके विरोध में मैंने आज प्रशासन को ज्ञापन दिया है, ADC के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को, और मैंने मांग की है कि जल्दी से जल्दी सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिया जाए, जिनके घरों में नुकसान हो उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया। तो सरकार की नाकामी के विरोध में आज वो गांव पपनावा वासी इकट्ठे हुए हैं। आज हम यही चाहते हैं कि जो आदमी, जो अपराधी, जितने भी जो सरेआम घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए, और जो बाकी जो ये जिनका नुकसान हुआ है सरकार उनकी भरपाई करे और इनका जो आगे पुनर्वास किया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए। उधर मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर दलित परिवार से संबंध रखने वाले कामरेड स्वरूप सिंह अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वे अनशन पर रहेंगे। 1 लाख रुपये प्रति दिन का नुकसान है, प्रति परिवार सबको मिलना चाहिए 50,000। और जी जो प्लाट है तुरंत मिलने चाहिए। पुंडरी के पबनावा गांव में 13 अप्रैल की देर रात को दो समुदायों के बीच अंतरजातीय विवाह को लेकर विवाद हो गया था। मामला इस कदर बढ़ गया कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के घरों में तोड़फोड़ की और दलितों के साथ मारपीट की। हंगामे के बाद से अब तक 100 से ज्यादा परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं। कैथल से जोगिंदर कुंडू के साथ पुंडरी से नवनीत, A1 तहलका हरियाणा। देश के करीब हर हिस्से में अंतरजातीय विवाह का खासा विरोध होता है। हरियाणा में हालात और भी ज्यादा खतरनाक हैं। प्रदेश में खाप पंचायतें अक्सर प्रेम विवाह, एक गोत्र में शादी या एक ही गांव में शादी का पुरजोर खिलाफ करते हुए अंतरजातीय विवाह का भी विरोध करती रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदेश की शिक्षा मंत्री भी यही मानती हैं कि एक ही गांव में शादी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल युवाओं को नसीहत देती हैं कि वे अपनी सामाजिक मान्यताओं का ध्यान रखें और ऐसे अंतरजातीय और प्रेम विवाहों से बचें। अंतरजातीय या एक ही गांव में विवाह को हरियाणा में अभी तक सही नहीं माना जाता। देश का कानून भले ही इसे ठीक मानता हो लेकिन समाज के कथित ठेकेदार और खाप पंचायतें इसकी पुरजोर मुखालफत करती हैं। जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो खूब हंगामा है। हाल ही में कैथल के पबनावा गांव में इसी मामले पर बहुत बवाल मचा। प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल मानती हैं कि युवा वर्ग को प्रेम विवाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। वे कहती हैं कि एक ही गांव में शादी करना ठीक नहीं है और युवाओं को सामाजिक परंपराओं की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए।
उनका गोल बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए यंग का मतलब ये नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा कि सामाजिक सोच में जहाँ परिवर्तन हमारे यहाँ ठीक है मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आज हम लोग आधुनिक युग की बात करते हैं, आधुनिक चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति और मान्यताएं हैं उनको हमेशा से अपने दिमाग में हमें रखना चाहिए। एक छोटी सी बच्चों की गलती की वजह से पूरे के गाँव में जहाँ आपस में भाईचारा खराब हुआ, पूरे राज्य में इस तरह का माहौल खराब हुआ, उससे उनको सोचना भी चाहिए। एक तरफ तो गीता बुक्कल अंतरजातीय और एक गांव में शादी को गलत बताती हैं, दूसरी ओर वो ये बताना भी नहीं भूलती कि उनकी सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करने के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि समाज में जातिवाद खत्म हो और समाज एक समान बन सके। और वैसे तो सरकार जो है इंटरकास्ट मैरिज को प्रोटेक्शन भी देती है और इंटरकास्ट मैरिज को वो प्रमोट भी करती है, लेकिन इसके बावजूद गाँव की गाँव में शादी करना और आमने सामने ही इंटरकास्ट जो मैरिज हुई है जिससे कहीं ना कहीं जात बिरादरियों में जो है इस तरह की भावना उत्पन्न हुई जो इतना बड़ा बात जो है इतने बड़े रूप में उभर कर आई है जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आगे तो मैं केवल अपील यही करूँगी सब लोग हम लोग मिलकर भाईचारे के साथ गाँव में रहें और पुरानी तरीके से रहते हुए जो दोषी हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो। गीता बुक्कल के इन बयानों को कानून की दृष्टि से कतई सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नेता को अपने वोट बैंक का भी ध्यान रखना होता है और पार्टी की लाइन का भी। अगर आपको यह लगता है कि अंतरजातीय विवाह का विरोध ग्रामीण लोग या कम पढ़ा लिखा तबका करता है तो आप शायद गलत हैं। हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल भी ऐसा मानती हैं कि गांव के गांव में और इंटरकास्ट मैरिजेज नहीं होनी चाहिए। अब शिक्षा मंत्री की यह सोच सही है या गलत यह आपको तय करना है। कैमरामैन सोनू के साथ आदित्य चौधरी, एवं तहलका, चंडीगढ़। रिवाड़ी के मीरपुर में 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विकास रैली को लेकर प्रदेश के बिजली मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि रैली में मुख्यमंत्री हुड्डा करोड़ों रुपए की कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और साथ ही रीजनल सेंटर को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाने की कोशिश करेंगे। बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने गुड़गांव मीटिंग में हुए हंगामे पर अफसोस जताया। जेबीटी भर्ती घोटाले में आज जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई जेबीटी घोटाले में 17 अप्रैल को अपना पक्ष रख चुकी है, आज चौटाला पक्ष की ओर से अपना जवाब रखा जाना था। इस केस में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में 30,000 कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को 6 मई को पेश होने का प्रोडक्शन वारंट जारी किया है, जबकि अभय सिंह चौटाला को 13 मई को पेश होना है। पलवल के सरकारी अस्पताल के बाहर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक महिला को अस्पताल के बाहर पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म देना पड़ा। दरअसल महिला डिलीवरी के लिए आई थी और डॉक्टरों ने उसे यह कहकर बाहर भेज दिया कि जब बड़े साहब आएंगे तब आ जाना। ये बच्चे हुए पेड़ के नीचे। ओके, हॉस्पिटल में अंदर क्यों नहीं डिलीवरी हुई इसकी? जी इसकी यूं कह रही थी साहब आ रहो, चलो 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 बाहर चलो, डुलाओ डुलाओ डुलाओ, चलो चलो बाहर चलो साहब आ रहो, यूं कह दीजिए मोते। सुना आपने, ये वाक्य है पलवल के सरकारी अस्पताल का। यहाँ अगर बड़े साहब नहीं है तो किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दर्द एक गर्भवती महिला की सास का है जिन्होंने खुद कैमरे के सामने ये बात बोली है। दरअसल मामला मंगलवार सुबह का है जब सत्तो देवी अपनी बहू को डिलीवरी के लिए पलवल के सरकारी अस्पताल में लाई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे शाम तक इंतजार करने को बोल बाहर भेज दिया। अचानक दर्द होने लगा और महिला ने अस्पताल के बाहर पेड़ के नीचे ही बच्चे को जन्म दे दिया। आप भी जो आप अपनी को आज ये बच्चा हुआ, ये कहाँ पर हुआ? नहीं हो पा रहा है पेड़ नीचे। तो कैसे हॉस्पिटल में अंदर नहीं है लेके? हॉस्पिटल में बाहर भेज दिया, उन्होंने शाम को। अच्छा, तो किस टाइम हुआ ये बच्चा? 11 बजे हुआ। तो डॉक्टर ने बाहर क्यों भेज दिया? शाम को होगा। तो जब बच्चा यहाँ पर हुआ है बाहर पेड़ के नीचे, तो कोई नर्स वगैरह या डॉक्टर वगैरह था? कोई नहीं आई था। उधर डॉक्टर बजाय अपनी गलती मानने के खुद को पाक साफ बता रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि महिला को एडमिट होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो घूमने के लिए अस्पताल परिसर से बाहर चली गई और अचानक दर्द होने की वजह से उसने वहां पेड़ के नीचे ही बच्चे को जन्म दे दिया। जो भी हुआ वो अचानक हुआ।
ये पेशेंट लेबर रूम में मैटरनिटी वार्ड में चली गई है, वहाँ पे इसने नर्स को रिपोर्ट करा अपनी ओपीडी वाली सीट दिखाई जहाँ एडमिशन लिखा हुआ था और पक्की फाइंडिंग लिखी हुई थी। तो नर्स ने कहा है कि तू यहाँ बेड पे लेट जा। तो ये बेड पे लेटी है तो इसको अब यहाँ से जो वर्शन आ रही है कि इसको किसी ने कहा कि अभी तेरे को टाइम है तू घूम ले थोड़ा सा। तो ये पेशेंट घूमने के लिए बाहर चले गई है। तो बाहर आपने देखा होगा कि मेन गेट के सामने एक पेड़ है और पेड़ के नीचे ये बैठ गई है, इसके साथ असिस्टेंडेंट है, तो वहाँ पे इसकी डिलीवरी हुई है। पेड़ के नीचे डिलीवरी की खबर के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में जच्चा बच्चा दोनों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन डिलीवरी से पहले जो कुछ भी हुआ वो पलवल के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के लापरवाही भरे रवैये पर कुछ सवालिया निशान जरूर छोड़ जाता है। एवन तहलका हरियाणा के लिए पलवल से भगत सिंह तेवतिया की रिपोर्ट। चलिए अब बात बेबसी बलात्कार और बर्बादी की। उकलाना की भैरी अकबरपुर गांव में दलित परिवार के 5 सदस्यों के जहर खाने के मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। परिवार के मुखिया ने रोहतक पीजीआई में एवन संवाददाता के सामने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने से परेशान होकर इतना बड़ा कदम उठाया था। पीड़ित ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा पुलिस ने उनकी गायब बेटी को ढूंढने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि जहर खाने से अब तक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो चुकी है। माँ और एक बेटी की कल ही मौत हो गई थी, जबकि एक लड़के ने मंगलवार को पीजीआई रोहतक में दम तोड़ दिया। परिवार का मुखिया और एक बेटा अभी भी पीजीआई में भर्ती हैं। हाँ, पुलिस ने तो ये कहा कि भाई लड़की ये साल हो गया उसको जी गुमशुदा हुई ने। वे कह रहे हैं कि भाई लड़की आपको पता है कहीं है तो तुम आप ले आगे दो। कौन कह रहे हैं? SHO साहब जो उकलाने गए हैं, भाई आपको पता है ले आगे दो लड़की कहाँ है। मैं ये कहा जी मेरे को कोई पता नहीं है, आपको पता है तो मेरे को पता है, मेरे को कोई पता नहीं है। जो मेरे को पता होता तो मैं बता देता या ले आ देता, मेरे को कोई पता नहीं है। ये बात चली मारी। अच्छा, कुछ मेरे पैसे की मजबूरी समझी, कुछ मेरी बेइज्जती की मजबूरी समझी। मैं सारा मेरी एस्टीमेट लगा के जी मारी घर के सारे की एक सलाह बनाई मैंने, हमें जहर खाया। इस मामले में पीजीआई के डायरेक्टर चांद सिंह डुल का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। बच्चे बहुत ही सीरियस थे, कल इनको बता दिया गया था और उनमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और दूसरे की भी हालत गंभीर बनी हुई है। और जहां तक इस व्यक्ति का सवाल है महेंद्र का, ये भी खतरे से बाहर है। वहीं इसी मामले में महिला आयोग की चेयरपर्सन सुशीला शर्मा ने मामले की पूरी जानकारी ना होने की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि वो खुद मौके पर पहुंचकर इस पूरी घटना का जायजा लेंगी और जो भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। मैं पूरा संज्ञान लूंगी इसके ऊपर, पूरी बात करूंगी। आप आए हैं तभी आपने देखा कि मैंने इसको पढ़ा है पेपर के अंदर, और क्या ऐसे कारण रहे कि इतना बड़ा कदम उठाने पे एक परिवार विवश हुआ। क्योंकि एक छोटी सी चींटी भी यदि उसको कोई तकलीफ हो तो वो भी खड़ी हो जाती है अपने बचाव के लिए, तो बहुत मुश्किल है अपनी जान को देना। कितना मजबूरी रही होगी या किस तरह की रही होगी जो उन्होंने ये कदम उठाया, तो ये बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक है सभ्य समाज के लिए, लेकिन खौफनाक है। और हमें इस पे बहुत गहरा मंथन करके ये देखना होगा आखिर वो इस स्थिति तक क्यों पहुंचने पे मजबूर हुए, और इसके बारे में हम जरूर कहेंगे। हमारी देश और प्रदेश में बढ़ रही बलात्कार की वारदातों के खिलाफ बीजेपी ने पंचकुला में DC दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के अंदर घुसने की भी कोशिश की, लेकिन वक्त रहते इन्हें रोक लिया गया। हालात को बिगड़ता देख SDM शरणजीत कौर बराड़ मौके पर पहुंची और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिया। पश्चिमी यमुना नहर रादौर में अंग्रेजों के समय में बनाए गए पुल में अचानक दरार आ गई है। दरार आने का कारण पुल के नजदीक चल रहे नए पुल के कार्य को माना जा रहा है। दरार आने के कारण पुल से भारी वाहनों के गुजरने पर रोक लगा दी गई है। वहीं पुल के अचानक बंद हो जाने से न केवल लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी बल्कि क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क भी रादौर से कट गया है।
मौसम की बेरुखी के चलते इस बार गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम होने से किसान परेशान हैं। महंगाई के इस दौरान में कम फसल होने की वजह से किसान बेहद हताश और निराश हैं। किसान खाद, बीज, दवाई और तेल की कीमतों में इजाफे के को आधार बताकर सरकार से गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग कर रहे हैं। देश में गेहूं उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्यों में शुमार हरियाणा की मंडियां गेहूं से अटी पड़ी हैं, लेकिन किसानों की माने तो इस बार उनकी फसल का उत्पादन घट गया है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से इस बार फसलों पर बुरा असर पड़ा है। किसानों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार फसल की पैदावार कम हुई है, इस वजह से उन्हें भारी घाटा सहना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की है। अब के बाद जो बारिश हुई है बहुत ज़्यादा और हवा चली तेज, जिसकी वजह से झाड़ बहुत कम है, तो हम सरकार से अपील करते हैं कि हमें किसानों को मुआवजा दिया और बोनस जरूरी चाहिए। अब की बार जो गेहूं का झाड़ हुआ है पिछले वर्ष की अपेक्षा अब की बार 7-8 क्विंटल कम हुआ है। बारिश ने किसानों की इतनी बुरी हालत कर दी है कि उनको अपना खर्चा तक पूरा करना मुश्किल हो रहा है। कंबोज एक्सपोर्ट बीज कंपनी के निदेशक डॉक्टर शुभकरण कंबोज ने भी माना कि इस साल मौसम की बेरुखी की वजह से गेहूं की उपज पर उल्टा असर पड़ा है। इस बार गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ 30-40% तक की कमी आई है। करनाल डिस्ट्रिक्ट की या आसपास के जिलों की बात करें, लगभग 30-35% का नुकसान है इस बार किसानों को। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र की निदेशक डॉक्टर इंदु शर्मा कहती हैं कि अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक ये देखा गया है कि इस बार प्रति एकड़ गेहूं उत्पादन में कमी आई है, लेकिन इसके पीछे वजह फसलों की बीमारी भी है। ये देखो ना, इसको ये देखो, ये हाथ में पाउडर लग गया, ये देखो पीला हो जाएगा, और कईयों के यहाँ पे पहुँच गया दानों तक में। मौसम की मार झेलने के बाद कम उत्पादन होने से परेशान किसान अब गेहूं पर समर्थन मूल्य नहीं मिलने से हताश हैं। ठेके पर जमीन लेकर बिजाई करने वालों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार किसानों को गेहूं के मामले में क्या कुछ दे पाती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल किसान बेहद परेशान हैं। करनाल से करमजीत के साथ इंद्री से MS निर्मल एवं तहलका हरियाणा के लिए। उचाना मंडी से 320 बोरी गेहूं लेकर चले ट्रक का कुछ अता पता नहीं है। आरती ने ट्रक को लेकर गए सोनीपत जिले के सतीश पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। आरती ने बताया कि 22 तारीख को उचाना मंडी से ट्रक में 320 बोरी गेहूं लोड कर हैफेड के गोदाम में पहुंचाना था, लेकिन ट्रक गोदाम में नहीं पहुंचा। जब सुबह आरती गोदाम पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। मौके पर गेहूं से भरा ट्रक नहीं था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। शिवानी मंडी के चनाना गांव के जमीनी विवाद के चलते हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक प्रताप की बहन और जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने मृतक प्रताप के 2 भांजों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनको अदालत में पेश किया। कोर्ट ने प्रताप की बहन गुड्डी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि अन्य 4 आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि चनाना गांव में 12 एकड़ जमीन को लेकर प्रताप और उसकी बहन गुड्डी देवी के बीच विवाद चल रहा था। गुड्डी देवी ने इस जमीन को हथियाने के लिए बदमाशों का सहारा लेकर प्रताप पर हमला करवा दिया था, जिसमें प्रताप की मौत हो गई थी। पानीपत में नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला को जिस्म फरोशी के धंधे में झोंकने का मामला सामने आया है। सहारनपुर की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि सूरज नाम का शख्स उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर पानीपत लाया और देह व्यापार करने की बात कही। महिला जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से निकलकर पड़ोसियों के पास पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। जनवादी महिला समिति की सदस्य महिला को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और पूरे वाक्य को बताया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उसका
सहारनपुर से एक लड़की बका फुसला कर ले रखी थी, भाई आप वहाँ आइए हमारे वहाँ और हम ऐसे ऐसे आपको किसी कंपनी में 15,000 रुपये नौकरी दवाएंगे। वो लड़की गरीब परिवार से है, मम्मी उसकी बीमार है, पिता की उसकी डेथ होगी, बच्चे उसके भाई है जो छोटे हैं। तो लड़की आ गई, जैसे वो लड़की अंदर कमरे के अंदर गई, वो लड़का लेके आया उसने, और उस लड़की के साथ वो बदतमीजी करने लगा। उस लड़के ने बताया लड़की को भी मैं ऐसे ऐसे कोई नौकरी नहीं है मेरी, हमें ऐसे ऐसे ये पूरा का पूरा ये धंधा चल रहा है, रात को मैं लड़कियों को अड्डों पे सप्लाई करता हूँ। मुझे मेरी दोस्त के घर पर मिला था और कहने लगा मैं MTS कंपनी का मालिक हूँ और मेरी कंपनी आएगी MTS और वहाँ पानीपत में है। मैंने कहा भैया मुझे भी मुझे काम मिल लगा, कहने लगा ठीक हाँ मिल जाएगा, 15,000 रुपया महीना मिलेगा। फिर मैं वहाँ से आ गई और मुझे आने के बाद अपने घर कहने लगा मैं तो ऐसे ऐसे लड़कियों से धंधा कराऊं और रात को लड़कियों को गाड़ी में भेजूं, सुबह सुबह उनको वापस बुला लूं। जब मुझे उन्होंने बताया मैं बैग ठाक बाहर भाग लिया एकदम से, फिर अंकल आंटी बैठे थे गली में एक, मैंने उनको बता दिया, उन्होंने फिर पुलिस को बुला लिया। यमुनानगर के बाड़ी माजरा इलाके में रेलवे ट्रैक के नजदीक एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक शव को रेलवे लाइन के करीब से झाड़ियों तक घसीट कर लाया गया है। पुलिस को मौके पर कई सबूत भी मिले हैं। लड़की कौन थी और कहां से आई थी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। आशंका जताई जा रही है कि बलात्कार के बाद लड़की का कत्ल किया गया था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की वजह और रेप की पुष्टि हो सकेगी। समालखा के भापरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका कुसुम के पिता और भाई ने ससुराल वालों पर उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। दरअसल 2005 में कुसुम की शादी समालखा के रहने वाले विनोद के साथ हुई थी। विनोद और कुसुम का एक बेटा भी है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज के लिए कुसुम को प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजनों के मुताबिक इससे कुसुम काफी परेशान रहती थी। फिलहाल पुलिस ने कुसुम के पिता के बयान पर पति समेत परिवार के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाई चाची के साथ में तो देखा है कि लड़की को बार वाले कमरे में बेड पे लेटा रखा था और उसके गले पे रस्सी के निशान थे। उससे लग रहा था कि इसको ये खुद नहीं मरी, इसको मारा गया, जमेंट करके उसको फिल्मी ड्रामा करके मारा गया। तो किस तरह की कार्रवाई की मांग आप लोगों की तरफ से? इसमें कार्रवाई तो ये कि सभी को जो इसके परिवार में इसका सास ससुर इसका पति इसका जेठ इसकी जेठानी सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आवासी ने कंप्लेंट दी है, वो लड़की जो मृतका है उसकी सास ससुर उसका जेठ जेठानी और उसका स्वयं विनोद के खिलाफ और 306/34 IPC का केस रजिस्टर करके और तफ्तीश कर। युद्धवीर हत्याकांड के आरोपी रघुविंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हांसी के सिंगवा गांव निवासी युद्धवीर की 2 बाइक सवार युवकों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वो अपने खेत से बाइक पर सवार होकर अपने गांव की ओर आ रहा था। पुलिस ने एक आरोपी रघुविंदर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और दूसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको 120B में अरेस्ट किया रघुविंदर और बिटू और उसको 2 दिन का रिमांड लिया जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हांसी दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 10 पर एक बाइक सवार को ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हांसी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक संजीव हांसी के भाटोल रांगडान गांव का रहने वाला था। घटना के समय संजीव अपने चचेरे भाई अक्षय के साथ शहर से गांव लौट रहा था, तभी नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फरार ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैथल के लघु सचिवालय के बाहर मारुति सुजुकी वर्कर्स का धरना 30 दिन से जारी है। बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली समेत कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने
चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी उनका धरना जारी रहेगा। मारुति सुजुकी के बर्खास्त कर्मचारियों का धरना मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने और जेल में बंद उनके साथियों की रिहाई की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब कब किससे मीटिंग हुई आपकी, किन लोगों से मीटिंग हुई है? सुरजेवाला से हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब से हुई थी मीटिंग। तो उन्होंने बोला, आश्वासन दिया था भी आपका मतलब बातचीत करवाएंगे कंपनी के साथ। बातचीत हुई लेकिन उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। हम 24 मार्च से बैठे हैं और आज हमें 30 दिन हो गए हैं बैठे हुए। क्या मांगे हैं, क्यों आप बैठे हैं यहाँ? हमारे 540 लड़कों को तो इन्होंने झूठे आरोपों में फंसा कर बाहर निकाल दिया गया है और 149 लड़के हमारे जेल के अंदर हैं, इसलिए हम बैठे उनको बाहर निकाला जाए, हमारी यही मांग। इन कर्मचारियों की चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और लोक निर्माण मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ मीटिंग भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने कंपनी मैनेजमेंट से कर्मचारियों की मीटिंग को आश्वासन दिया लेकिन उस मीटिंग के बाद भी कोई हल नहीं निकला। गौरतलब है कि जुलाई 2012 में मानेसर प्लांट में आगजनी के दौरान एक प्रबंधक की मौत हो गई थी। इसके बाद 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। मामले में 147 मजदूर जेल में बंद हैं। इनमें से किसी की भी अभी तक जमानत नहीं हुई है। इवन तहलका हरियाणा के लिए कैथल से जोगिंदर कुंडू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इवन तहलका हरियाणा के साथ।